हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुहाना। आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की ढाबा स्टाइल सब्जी। इस सब्जी का एक सीक्रेट है दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, जिससे ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और ये घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू को काट कर रख लिया है। एक छोटा फूल गोभी, इसे भी धोकर काट के रख लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, दो हरी मिर्च कटी हुई, दो से तीन लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। मैंने यहाँ मसाले लिए हैं, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। इसमें मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है। इसके बाद इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। आलू और गोभी को तेल में 3 से 4 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें इसे जल्दी गोल्डन ब्राउन होने के लिए हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, जिससे ये जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। इसे हमें ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि हम यहाँ पर ढाबा स्टाइल सब्जी बना रहे हैं। अगर हम इसे ढकेंगे तो ये भाप से सब्जी अच्छी नहीं पकेगी। अब हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसी कढ़ाई में फिर तेल डालेंगे। पहले गैस को ऑन करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने यहाँ बहुत थोड़ा तेल लिया है। लहसुन की कलियाँ, अदरक कटी हुई हरी मिर्च, इसे हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है। हमें गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है यहाँ पर। इसके बाद कटे हुए टमाटर, इसे भी अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम अपने सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें इन्हें 3 से 4 मिनट इन मसालों को भूनने में टाइम लगेगा। नमक हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पहले भी हम सब्जी फ्राई करने में नमक डाल चुके हैं, तो इसे हमें यहाँ पर नमक हिसाब से डालना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसे हम पुश कर देते हैं, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई सब्जी डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला देते हैं।
मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमारी सब्जी नीचे लगे नहीं। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आलू पूरी तरह से पक चुका है। यहाँ पर सब्जी हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं सब्जी का सीक्रेट, जो कि मैंने बोला था इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि सौंफ पाउडर और ये हमारी काली मिर्च, ये बहुत ही लाजवाब और चटपटी और खुशबूदार ये सब्जी बनकर तैयार होती है। तो आप लोग भी इसी तरह सब्जी बनाइए, आप लोग को भी ये सब्जी बहुत पसंद आने वाली है। एक तो ये ढाबा स्टाइल सब्जी है, इसीलिए सबको बहुत पसंद आने वाली है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डालूंगी, जिसको मैंने काट के रख लिया था। इसे भी मैं चला देती हूँ। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, फुलका, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो ये सब्जी आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।